शौक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अगर शौक कोई रखता है इसका मतलब उसका जो जज्बा है ना एकदम आसमान पर रहता है। और उसी का एक जीता जागता स्वरूप मेरे सामने अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये है बोलेरो BS6 वाली और बेस वेरिएंट है। और मेरे साथ इसके ऑनर हैं प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते भैया। नमस्कार। तो ये एक जगह मुझे दिख गए थे, इनकी गाड़ी दिखी और बड़ी मुश्किल से इनको मैंने ढूंढ निकाला। मैंने कहा भैया मुझे आपने इसको ऐसे कैसे बनाया है मुझे पता करना है, क्योंकि आपको भी देख के वीडियो में लग रहा होगा कि ये एकदम बदल चुकी है। तो भाई साहब ने क्या क्या करवाया, कब खरीदी थी बताइए। मैंने भैया ये खरीदी थी जुलाई में। कितनी पड़ी थी? 2020 925 के समथिंग पड़ी थी। और इसके बाद में आपने तो पूरी रूपरेखा बदल दी इसकी। काफ़ी मेहनत करी है इस पर। तो इन्होंने जो मेहनत करी है इसे क्या करते हैं, इसकी गाड़ी में बैठते हैं सर की, और एक एक चीज़ इसका जानते हैं और इसका पूरा अनुभव साझा करते हैं अपने इस चैनल पर, जिन्होंने अपने बोलेरो के साथ जिया है। आपको जरूर अच्छा लगेगा, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर साझा करें। मैं प्रदीप भाई के साथ इनकी गाड़ी में आ गया हूँ और ये बोलेरो लगी नहीं रही, बोलेरो है। तो भाई साहब सबसे पहले बताइए कौन सा वेरिएंट है ये? भैया B4 वेरिएंट है। B4 वेरिएंट है, तो मतलब बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट। कितने की पड़ी थी आपको? 9,15,000 की पड़ी थी मेरे को। 9,15,000 की पड़ी। और ये ऐसा कुछ करवाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से। हाँ हाँ। और पहले हमारे पे गाड़ियाँ थी काफी। अच्छा। तो शुरू से शौक भी रहा है, 20 साल से मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ अपनी। ओके। तो धीरे धीरे मन था, एक घूमने गए थे कसोल में, एक गाड़ी बोलेरो देखी थी मैंने, पंजाब नंबर गाड़ी थी। ओके। तब से मेरा मन था बोलेरो लेने का। तो बोलेरो लेके आपने तो एकदम पूरा अलग ही नाम अगर दे दो तो मुझे लगता है कि महिंद्रा भी सोच में पड़ जाएगा कि कहाँ से लिया क्या बनाया। हाँ। तो कुछ पॉकेट मनी भी अलाउ करती है, तो उसी हिसाब से फिर मेरे को चाहिए थी 7-सीटर गाड़ी। अच्छा। और मैंने अपनी पॉकेट के हिसाब से मुझे बोलेरो से बढ़िया और थोड़ा मजबूती, मुझे फीचर्स नहीं चाहिए थे गाड़ी में। मुझे गाड़ी में 10 साल का जो ये अभी आया है कि 10 साल डीजल गाड़ी और 15 साल पेट्रोल, सबसे सस्ते में 7-सीटर गाड़ी जो थी वो बोलेरो थी। अच्छा। इसलिए मेरा मन था कि मैं अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से गाड़ी बोलेरो। तो इसमें क्या क्या करवाया है पहले बताइए, फिर और आपके एक्सपीरियंसेस जानेंगे। मैंने भैया इसमें गाड़ी में जो मेरा मन था, ज़्यादातर मैंने इसमें बहुत कुछ चेंज करवाया, जो मेरे को सीट कवर है अपना, स्टेयरिंग कवर है, आगे बम्पर है, कंपनी से ही मंगवाया था मैंने। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ महिंद्रा का इसमें एक्सेसरीज डाला हुआ है, कुछ आपने बाहर से लगवाया हुआ है? ज्यादातर बाहर से लगाया हुआ है, तो क्योंकि महिंद्रा कुछ देता नहीं है। तो जो बाहर से लगवाया है उसमें क्या क्या चीजें हैं? बाहर से भैया मैंने इसमें जो है सीट कवर चढ़वाए हैं, पूरे में मैटिंग करवाई है गाड़ी में। अच्छा। एलॉय व्हील लगवाए हैं, गाड़ी के टायर चेंज करवाए हैं। ओके। जी। तो जैसे आपको पता है कि ये 1.5 लीटर बोलेरो है जी, तो पावर आपको थोड़ी कम लग रही है? नहीं, पावर मैंने पहले कभी बोलेरो चलाई नहीं, मैंने अपनी ये नई गाड़ी लेने के बाद ही मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली है। अच्छा। बस मन था कि बोलेरो लेनी है इसलिए। तो अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसे चलाने? बहुत अच्छा। तो इसके पहले जो स्टॉक टायर थे उसमें भी आपने चलाया होगा, और हाँ। अब आपने जब ये टायर डलवाए, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा बड़े टायर हैं जी, तो आपको लगता नहीं कि इससे कुछ असर पड़ा होगा गाड़ी पर? नहीं, देखो हैंडलिंग बहुत प्यारी हुई है उसके बाद, पर जो है ब्रेकिंग में थोड़ा सा गाड़ी कम जाती है। अच्छा। हाँ, थोड़ा स्पेस मेंटेन करके चलना पड़ता है गाड़ी का, मतलब दिखने के लिए जो आपने थोड़ा सा किया। हाँ, हाँ, कि अलग दिखो। बिना उसके तो देखो गाड़ी में बात नहीं आ रही थी, बिना टायर चेंज कराए, टायर चेंज कराने के बाद ही उसमें थोड़ा सा एक लुक आया। तो मतलब ये जो आपने दिखने का जो अंदाज इसका एकदम बदला पूरा अंदाज, उसमें ब्रेकिंग थोड़ी सी प्रभावित हुई है? ब्रेकिंग हल्की सी कम है, थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है दूसरी गाड़ी से, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या माइलेज? पिकअप बहुत अच्छा है। क्या माइलेज क्या मिल रहा है इससे अभी तक? आपको कितने चलाए पहले बताइए आप टोटल? अभी मैंने चलाई है ये 4,000 पूरी चलाई नहीं है। होने वाली है? 2300। हाँ जी, होने वाली है। अच्छा जी। तो 4,000 किलोमीटर में आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब माइलेज कितना मिला है पहले ये बता। माइलेज पूरी टंकी में 55 लीटर की इसकी टंकी है,
4000 समथिंग में ये फुल होती है। अच्छा। और उसमें मेरी गाड़ी 600-650 चली है। ठीक है, तो मतलब लोगों को, लोगों के लिए छोड़ दोगे कि अपना माइलेज? जी जी, माइलेज मैंने आज तक किसी गाड़ी का नहीं निकाला, मैं हमेशा अपनी गाड़ी के, आप अभी देख लीजिए, टैंक फुल है। अच्छा जी, तो मतलब टैंक फुल करवा के रखते हो? और जी जी, क्योंकि गाड़ी मैं ही ड्राइव करता हूँ और कोई करता नहीं है घर में। तो जिसको माइलेज निकालना है उसको सरकार ये देना पड़ेगा, 650 किलोमीटर, मतलब 55 लीटर में 650 किलोमीटर चलाया है, तो अपने आप निकाल ले लो। अभी गाड़ी नई है, नई धीरे धीरे इंजन भी आएगा। ठीक है, तो अभी सर्विस करवाया कोई आपको? हाँ, फर्स्ट सर्विस करवा दी थी। तो कुछ अभी वैसे ही कोई प्रॉब्लम आया है कंपनी से, कोई प्रॉब्लम आया या आप ओवरऑल? देखो जी, मैं इससे पहले मैंने नई 2004 में क्वालिस ली थी, वो मैंने चलाई, उसके बाद मैंने दो इनोवा भी रखी है, उनका कोई तोड़ नहीं है। अच्छा। गाड़ियों में मतलब चलने में, एवरेज में, हर तरह से हैंडलिंग में बहुत बढ़िया लगी मुझे, सर्विस में। टोयोटा वालों की सर्विस हेड्स ऑफ है, उनसे बढ़िया किसी भी कंपनी की सर्विस नहीं है। अच्छा, महिंद्रा से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। उनको क्या फीडबैक देना चाहिए, बताओ तो सही। की मैंने तो फीडबैक अभी गलत डाला था उनका। हाँ? फिर उनका वहाँ पीछे से फोन आया। हाँ? मैंने कहा अब यहाँ पे कोई है ही नहीं शोरूम, यहाँ पे सर्विस सेंटर कोई है नहीं, एक ही सर्विस सेंटर है या साहिबाद है। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब आपको लगता है कि इम्प्रूव होने की जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब अभी तक ये आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्योंकि इसमें एक टैंक और लग गया है जिसमें एड ब्लू डलता है। हाँ जी, हाँ। तो वो अभी भरवाना पड़ा जब से गाड़ी खरीदी है? नहीं, मैंने अभी तक डलवाया नहीं है। हाँ? और अभी वो बोल रहे हैं कि जैसे 20,000 चल जाएगी जब डलेगा वो। 10,000 किलोमीटर, 10,000 मैं आपको करेक्ट करूंगा। 10,000। और जब आप गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा टिप्स भी देता चलूं, जब आप गाड़ी चलाते हैं, जिस अंदाज में गाड़ी चलाते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका वो टंकी कब खाली हो जाएगा एड ब्लू वाला। जी। तो मेरा भी एक दोस्त एक बड़े ट्रिप पे गया था जी, तो उसका रास्ते में खत्म हो गया। अच्छा। क्योंकि उसने गाड़ी बहुत खींची हुई थी। अच्छा अच्छा। तो जब आप बहुत ज्यादा गाड़ी खींचोगे, ऐसा उसने एक्सपीरियंस करके बताया है, तो उस पर निर्भर करता है आप कैसे चलाते हो। वो साइलेंसर पे डलता है? हाँ, नहीं वो डला हुआ है, इसमें आपका एक टंका लगा डला हुआ है, उसमें से साइलेंसर पे आता है ना वो फ्यूल। हाँ, वो पूरा का पूरा वो आता है, जिससे आपका बीएसएफ से उन्होंने ज्यादा खींची होगी। मैं भी ज्यादा, और जब वो खत्म हो जाएगा वो लेवल जी, उसका ठीक है, तो अपने आप गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। इसके बाद एक किलोमीटर भी, आधा किलोमीटर भी नहीं चलेगी वो आपकी गाड़ी। अच्छा। तो उसका सिस्टम ये वाला बना हुआ है। चलो, ये मैंने छोटा सा जानकारी दे दिया है। तो अभी कंपनी वालों ने स्पेशली बुला के मेरे को पहले वो चीज नहीं क्लियर करी थी शोरूम वालों ने, पर जब मैं सर्विस कराने गया था, जब उन्होंने ये चीज मेरे से क्लियर करी थी, बुला के करी थी, समझाया भी था इसमें कि ये आएगा मीटर में, ये आपको डिस्प्ले में चेक करते रहना है कि अब इसमें जब भी ये आता है तो आपको कंपनी लेके आनी है सर्विस सेंटर पे। तो जो बोलेरो में आपका पूरा जगह मिलता है, आपको लगता है कि 7 सीटर के लिहाज से परफेक्ट है? आपने अभी किसको किसको बिठाया, थोड़ा बताइए पूरा। मैंने, मेरी फैमिली में जी 10 है, ठीक है, इसमें की 4 बच्चे हैं, बाकी 6 बड़े हैं। थोड़ा कहीं एक दो की दिक्कत आती है, वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब इसमें, मतलब जैसे मैं बोल रहा था शुरू वाले अपने वीडियोस में, कह रहा था कि इसमें 10 लोग भी बैठेंगे जी, पीछे तो, जो है स्पेस कम है। हाँ? तो वो बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं पीछे। हाँ? बाकी सारे मेंबर्स हमारे आगे आ जाते हैं। अच्छा, तो आपको, आपके लिए मतलब पूरा परिवार की गाड़ी है जी, बिल्कुल, और कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस बोलेरो से और जो एसयूवीज हैं, आपको लगता है कि इसे खरीदना आपके लिए जस्टिफाइड है? देखो जी, आज की डेट में हाँ बिल्कुल है, मैं संतुष्ट हूँ। आप संतुष्ट हो जी? फीचर में आपको कुछ मिला नहीं? आपने बोला भी कि फीचर आपको चाहिए ही नहीं। मेरे को फीचर्स नहीं चाहिए। तो अभी जो आप मॉडिफिकेशन, क्योंकि आप बोले थे कि बहुत सारी और चीजें इंतजार कर रहे हैं, तो अभी और क्या क्या डलवाने वाले हो इसमें? देखो जी, मैं काफी चीज अभी देख रहा हूँ, साइड मिरर देख रहा हूँ इसके, अभी कहीं मुझे मिल नहीं रहे हैं। उसके बाद मैं ग्रिल भी चेंज करवाऊंगा इसके आगे। अच्छा जी, तो ये कहीं से डर नहीं लगा कि वारंटी ना खत्म हो जाए इसके चक्कर में? मुझे वारंटी नहीं चाहिए। अच्छा, वारंटी चाहिए नहीं? नहीं कोई। तो आपने सब कुछ वायर वायर पूरा जी, वायर वगैरह कुछ नहीं करवाया मैंने, वायर से कोई छेड़खानी नहीं करी। तो जो पावर विंडो का वगैरह डलवाया है इसमें, पूरा चारों पावर विंडो है, क्योंकि बोलेरो में सबको पता है कि पावर विंडो नहीं आती, नहीं आती, मैंने तो लगवाई है। हाँ? क्योंकि मुझे हैबिट ही नहीं है उसकी। अच्छा, बेचने की। तो पीछे भी और आगे भी, और की से भी आपका हो जाता है? आपने कुछ की पे किया हुआ है कि रिमोट से ही वो आप दबा के रखते हो? नहीं नहीं, खाली अनलॉक करेंगे, लॉक करेंगे तो वो शीशे मिरर ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ये सब आपने अपना करवा लिया, अपने हिसाब से पूरा का पूरा सिस्टम बनवा लिया है। कितना खर्चा किया है, मैंने एक बार पहले पूछा था, वो कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपसे मैं, और हो सके तो आप वो जगह बताइए जैसे आपने एलॉय का कितना खर्च किया, सीट कवर पे कितना लगाया, ये भी बता दीजिए। एलॉय पे मेरा 60,000 का खर्चा आया। अच्छा,
20,000 के मेरे जो पुराने टायर थे वो गए। अच्छा वो बिक गए, ठीक है, मैंने उन्हीं को दे दिए। हाँ, उसके अलावा मुझे 60,000 रुपये और पे करने पड़े। 60,000 और पे करने पड़े, तो उसमें और क्या मेरा क्या मन था? और भी था पर मेरी पॉकेट इतनी अलाउ नहीं करती थी, नहीं तो मैं स्पेसर लगवा के और अच्छे टायर डलवाता। अच्छा, और अच्छे टायर डलवाते। तो इसमें सीट कवर पे कितना खर्चा लगाया? सीट कवर थे जी मेरे कृष्णा करोल बाग में है, मैंने यूट्यूब पे उनकी वीडियो देखी थी, वहीं से मैंने लगवाए थे। सोफा कवर है ये, लेदर सोफा, 13,000 समथिंग के थे ये। अच्छा, और ये जो पूरा आपने पावर विंडो बनाया है चारों रिमोट के साथ एक्सेस वाला पूरा, 10,000 की मेरी पावर विंडो लगी थी। 10,000 की जी। और मैटिंग वगैरह पे कितना खर्च किया? मैटिंग 2,500 की मैटिंग थी पूरे में ओवरऑल नीचे, और उसके ऊपर मैट थे ये 1500 समथिंग के मैट थे ये, ये लगे थे मेरे। तो अब इतना कुछ मॉडिफिकेशन के बाद में जब आपने गाड़ी को चलाया है, तो सबसे लंबी दूरी की यात्रा कौन सी तय की है? अभी फिलहाल हमारा प्लान है ले लद्दाख। नहीं, जो अभी आप करके आए? नहीं, मैंने अभी तक कोई नहीं करी। सिर्फ ये शहर में चलाया आपने पूरा? जी जी जी, ये जो 4,000 किलोमीटर पूरा का लोकल यहीं चली। तो कभी हाईवे पे मतलब आसपास की जगह पे जाने का? मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का शॉप है मेरी रिटेलिंग की। अच्छा, तो उसका सामान दिल्ली आना जाना हफ्ते में एक दो बार होता है मेरा, मैं अपनी गाड़ी से करता हूँ। तो अभी जो रफ्तार रही होगी टॉप स्पीड, वो कौन सी आपने पकड़ी है? टॉप स्पीड एलिवेटेड पे मैंने चलाई थी, ज्यादा लंबी गाड़ी मैं खींचता नहीं हूँ, 130 समथिंग मैंने खींची थी। मतलब अपने इन टायरों पे? जी, इन टायरों पे। आपको लगता है कि ये टायर इंजन को ज्यादा स्ट्रेस देते हैं? किसी ने ज्ञान दिया आपको कि नहीं? नहीं है मुझे जानकारी इस चीज की, लेकिन आपने समझौता कर लिया कि भैया गाड़ी हमारी अलग दिखे। हाँ, तो अभी परफॉर्मेंस से आपको कोई तकलीफ हुई हो? आपको लगता है कि हल्का सा इसमें थोड़ा सा सस्पेंशन में है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ब्रेकर क्योंकि टायर भी बड़े डल गए हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा स्लो करके उतारना पड़ता है, थोड़ा स्लो करके उतारना। तो महिंद्रा की जो और गाड़ियां हैं जी, उनकी तुलना में आपको लगता है कि जो बुलेरो है, अगर बहुत कुछ महिंद्रा चेंज कर रही है, अगर इसे चेंज कर देगी तो क्या इसकी आत्मा मर जाएगी? स्कॉर्पियो खत्म हो जाएगी अगर बुलेरो चेंज किया तो? जी। तो आपको लगता है बुलेरो ऐसे ही रहने वाली है आने वाले टाइम में भी? इन कंपनी वालों को सोचना चाहिए इस बारे में कि इन्हें बहुत सारे चेंजिंग करने चाहिए। हाँ? जो चार्जर तक भी ये कंपनी वाले नहीं दे रहे हैं, मोबाइल रखते हैं, कोई चीज है उसके लिए भी कोई स्पेस इन्होंने नहीं दिया हुआ है। अच्छा, तो मतलब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जो जिन्हें देनी चाहिए। तो शायद उन्हें सोचते होंगे कि भैया मॉडिफाई करवा लेंगे लोग, उनको लगता होगा कि बुलेरो लेके कोई मॉडिफाइड करवाता ही नहीं है। अच्छा, पंजाब में एक अलग क्रेज है, वहाँ पे बंदे कोई भी गाड़ी हो उसे एक अलग एक लुक देते हैं, एक अलग पहचान अभी देते हैं। अभी से ही आप टर्न कर रहे हो जी, तो कट कैसा है? टर्निंग रेडियस आपको लगता है परफेक्ट है या मेहनत पड़ती है? बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बड़ी गाड़ी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लस है। हाँ? पर इतना नहीं है कि बहुत सही से कट जाए। केबिन में कितनी बाहर की आवाज आती है इसे चला रहे हो तो? अच्छे वाले उस पे पहले के उस पे ऊपर रहते हो तो? पहले मेरे तो कई दोस्तों से मेरी बात हुई है, एक मेरा फ्रेंड है सुमित। हाँ? उसके पास बुलेरो, उसने कई साल रखी है। हाँ? कईयों ने मेरे को सलाह दी है कि कोई कहता था कि बाहर से स्पेस हवा बहुत आती है। हाँ? एसी काम नहीं करता है। हाँ? क्यों ले रहा है बुलेरो? हाँ? तो इनका जवाब भी दे दीजिए साथ में। मैंने कहा मेरे को एक अपनी एक अलग पहचान जब मैं लाऊंगा, जब मैं बनाऊंगा, तो फिर तुम ही कहोगे कि बुलेरो बढ़िया लिए तूने। अच्छा, बुलेरो लेके क्योंकि मुझे 10 साल मुझे पूरे यूज करने थे इसके, 10 लाख मुझे पूरे यूज दिख रहे हैं कि मैं कर लूंगा। मतलब वैल्यू आप बना लोगे इसे, 10 लाख पूरा 10 साल में वसूलने वाले हो। हम और अब तो सारे फ्रेंड सर्कल में हर साल कहीं ना कहीं हम एक दो टूर बाहर के लगाते हैं। अच्छा, तो हमें सोचना पड़ता था कि जैसे लेह लद्दाख जा रहे हैं कौन सी गाड़ी लेके जाए। तो कब जाओगे अभी लेह लद्दाख? जून जुलाई में देखेंगे। अच्छा, तो इसी को लेके जाओगे? इसी को लेके जाएंगे, एक फ्रेंड थार और ले रहे हैं और उसको भी लेके जाएंगे। अच्छा, दो गाड़ी आप जी, मतलब महिंद्रा के पूरे भक्त लगते हो आप? महिंद्रा नहीं, मुझे शुरू से कभी पसंद नहीं आया। तो ये मतलब गाड़ी ले ली मेरी पॉकेट मनी के हिसाब से, मेरे को गाड़ी यही सूट कर रही थी। मैं ब्रीजा नहीं लेना चाहता था, मैं क्रेटा नहीं लेना चाहता था। मतलब आपको इंडियन कार कंपनी की गाड़ी चाहिए? इंडियन कार कंपनी चाहिए थी, और इसमें एक लुक जो मेरे इमेज दिमाग में थी वो मैंने उसमें सेट कर दी। तो आपको लगता है जो गाने वाने बोलेरो पे बनते हैं, आपने सुने भी होंगे बोलेरो पे गाने बहुत सारे? मैंने आज तक चलाया नहीं, चलाया नहीं, बट लगता है आपको मतलब कभी मन नहीं किया कि एक बार सुन लिया जाए वो गाना? नहीं, अभी कल ही एक फ्रेंड बैठा था उसने लगाया था गाना। अच्छा, कौन सा? बैठ बोलेरो में। तो मैडम बैठ बोलेरो में, बहुत बढ़िया। तो ये गाना इस पे प्ले नहीं करेंगे क्योंकि कॉपीराइट के बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। आपने म्यूजिक सिस्टम भी डलवाया इसमें कि महिंद्रा से डलवाया बाहर से? नहीं भैया, सारा बाहर से डलवाया। ये कितने का पड़ा म्यूजिक सिस्टम में मेरा भैया? कुछ मेरी पहली गाड़ी का था, जैसे यूनिटी पहली गाड़ी की थी, बाकी मैंने किकर के स्पीकर लगवाए हैं, पीछे JBL का पूरा सेट लगवाया है, तो मेरा इसमें 35 से 40 के लपेट में खर्चा आ गया। वायरिंग मतलब 2-2.5 लाख रुपए आपने खर्च किए इस पे लग रहा है? जी, और भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास पैसे हो तो। मतलब पैसा आप कमाओगे और बुलेरो पे लगाते चले जाओगे?
मैं लगा सकता हूँ लगा सकते घर वाले भी डरते हैं घर वाले डरते हैं अच्छा, तो घर वालों को वीडियो मत दिखाना है नहीं वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो कहेंगे कि तेरा बस चले तो तू पता नहीं क्या कर दे इसको अच्छा तो अब फिलहाल आपके पास सिर्फ बोलेरो है खाली बोलेरो नहीं है मैं जो भी गाड़ी रखना चाहता हूँ मैं अपने पास ऐसी रखना चाहता हूँ कि मेरे पंजे में जान हो अच्छा जी जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो कोई मुझे कम्पीट ना कर पाए तो अभी जब आप चलाते हो इसीलिए कि निकलते हो सड़कों पर तो लोग आपको रोक रोक के पूछते हैं भैया ये क्या है मतलब हाँ, कैसे ये लग रहा है आपको ऐसे करके जाएंगे भैया आपने बहुत अच्छी करी है भैया आप बहुत मतलब हाँ। अभी मैं नोएडा गया था फादर को लेके तो वहाँ पे वो बहुत से ऐसे हैं जो आगे पीछे ही चलाते रहते हैं अच्छा उनकी नज़र गाड़ी पे कभी नीचे जाएगी कभी टायरों पे जाएगी क्लीनिंग पे जाएगी तो वो ये देखते हैं कि आपने कोई कोटिंग भी करवाई है बता रहे थे कोटिंग करवाई है मैंने सेरेमिक कोटिंग करवाई है उस पे कितना खर्चा किया 38,000 हुए थे मेरे अच्छा 25 की सेरेमिक हुई थी मैंने बोनट का पीपीएफ करवाया था 13,500 का पीपीएफ हुआ था तो मतलब भाई साहब ये बोले नीचे एंटी डस्ट कोटिंग करवाई थी मैंने पूरी गाड़ी में हां ज्यादातर कंपनियां दे रही हैं आजकल कुछ अलग से भी करवाते हैं कंपनियों से मैंने बाहर से ही करवाया साइलेंसर कोटिंग भी मैंने करवाया क्योंकि अगर कहीं पानी गंदगी से मेरी गाड़ी नीचे अच्छा जंक न ले तो अभी आपको लगता है जो आपने करवाया है जस्टिफाइड है आपके बोलेरो हाँ, के साथ हाँ, में अच्छा एक एक बढ़िया सवाल निकल रहा है जी कि अगर ये बोलेरो होती ही ना आते तुम्हें तो आपके पास कौन सी गाड़ी होती है अभी फिर मैं क्रिस्टा तो उसमें क्या करवाते हैं आप उसमें कुछ होता ही नहीं है जी उसमें कुछ भी कराना बेवकूफ़ी है वो कंपनी से ही इतनी जेन्युइन आती है कि उसमें कुछ कराना मतलब वो कंप्लीट है गाड़ी तो चलो अच्छा कि आपने हर चीज से मेंटेन है वो बिल्कुल तो अच्छा कि आपने ये गाड़ी ले ली और इससे आप संतुष्ट भी हो मैं तो इसकी हाइट से बहुत संतुष्ट हूँ हाँ? मैं इसके चलाने से इसके पिकअप से बहुत संतुष्ट हूँ अपने आपको हीरो माफिक महसूस करते हो आप जब चलाते हो इसे हाँ थोड़ा फील होता है अच्छा ये आप जब इसे चलाते हो लगता है कि आपको लोग देख रहे हैं या गाड़ी को देख रहे हैं दोनों को देख रहे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ियां जो है हीरो बना देती हैं क्योंकि गाड़ियां अपने आप में हीरो होती हैं और जो इनका इमोशन होता है लोगों का जो पैशन होता है और शौक बड़ी चीज होती है शौक बड़ी चीज है तो मैं वीडियो कंप्लीट करूं अगर आप इजाजत दे तो बिल्कुल जी करूं तो अगर आप इनको ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप गाड़ी रखते हैं आपके पास भी कोई गाड़ी है कोई सी भी गाड़ी हो लेकिन साफ सुथरा रखिए और ये संदेश मेरी तरफ से भी आपके लिए रहेगा कि जितना आप अपनी गाड़ी को साफ रखोगे उतना ही मजा आएगा उसे चलाने में और आप उसे दिल से कनेक्ट हो पाओगे जब आपकी गाड़ी कहीं टच हो जाए और आपको दर्द ना हो तो समझ लो कि आपको गाड़ियों से प्यार नहीं है आप सिर्फ गाड़ी की सीट पर पीछे बैठकर चलना पसंद करो ज्यादा अच्छा रहेगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो बहुत दिन से पेंडिंग था बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि मैं बोलेरो का कोई ऑनरशिप एक्सपीरियंस लेके आऊँ आपके लिए और मैंने ऐसा बंदा तलाशा ऐसा बंदा मुझे मिल गया उम्मीद करता हूँ ये पसंद आएगा और ये इनके इमोशन थे बहुत सारे लोग टेक्निकल जानकारी नहीं देते हैं बहुत सारे लोग अपने दिल की बात बताते हैं और इस बोलेरो के लिए इन्होंने अपनी दिल से बात पूरी रख दी है और ये बातें मुझे पक्का पता है कि आपको समझ में आई होगी अगर फिर भी आप कुछ और जानना जुड़ना चाहते हो मुझसे कोई सवाल करना चाहते हो तो कोई बात नहीं मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाओ मेरा हैंडल है amit.dvd सवाल करो सारे जवाब ले जाओ और प्रदीप भाई भी आपको वहां पर जवाब जरूर देंगे लेकिन आप सवाल तो पूछो